बाढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूटकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट की एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंझला बेघा निवासी नीतीश कुमार से बेढ़ना बाईपास के पास हथियार के बल पर 45,000 रुपए और मोबाइल की लूट हुई थी। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में तकनीकी अनुसंधान कर कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, अभी बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये 2 घटनाएं जो है पिछले 15 दिन में घटित हुई थी। 29 तारीख को घटना घटित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति से जो है हथियार के बल पे जो है उनसे मोबाइल और कुछ रुपए लूटे गए थे। उसके बाद 5 जनवरी को भी जो है एक ये घटना हुई थी जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि पंडारक के रहने वाले हैं उनकी से जो है तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये जो है वो लूट लिया था। 9,000 रुपये उनसे UPI ID से ट्रांसफ़र करवा लिया था और एक मोबाइल जो है वो लूट लिया गया था। ये दोनों घटनाएं जो है इसमें मानवीय और तकनीकी अनुसंधान जो है उसमें किया गया जिसमें यह पाया गया है कि पूर्व से जो संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनको भी जो है उसमें पहचान किया गया उसका भी। तो इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक का नाम विक्रम है, एक का नाम ऋषि है और एक का नाम जो है वो राजा है। और तीनों जो है उनका उसमें विक्रम का जो है पूर्व अपराधी के इतिहास पाया गया है और इसी प्रकार के अपराध करने में जो है उनको पूर्व से भी संलिप्त पाया गया है। इन तीनों के पास में से तकरीबन 15,000 रुपये बरामद हुए हैं और 2 लूटे गए जो है मोबाइल वो भी जो है इसमें बरामद हुए हैं। अग्रतर और इसमें जो है अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है। जो भी और भी इसमें संलिप्त लोग हैं उन सभी को जो है हम खोजने की और कोशिश कर रहे हैं कि और जो है उसमें पता कर पाए ताकि जो भी उसमें पता करके उसमें हम जल्दी जल्दी उसको जो है चार्जशीट करें। भदौर में भी जो एक घटना हाल फिलहाल हुई है उसकी भी जाँच की जा रही है कि उसमें भी इनके संलिप्तता उसको भी देखा जा रहा है। उसमें भी कुछ अपराध कर्मियों के नाम आए हैं उनको भी जो है लगातार छापेमारी कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी जो है ये बेढ़ना जो है ये बेढ़ना के रहने वाले हैं तो वहीं से जो है इनकी गिरफ्तारी जो है वहां से हुई है। तीनों बेढ़ना के रहने वाले हैं? तीनों जो है इसमें एक तीनों ही यहाँ जो है बेढ़ना के रहने वाले हैं इसमें। सिवान में फिर बेखौफ अपराधियों ने आतंक मचाया है। अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मृतक जमीन का कारोबार करते थे। वहीं दोनों मृतक आपराधिक छवि के भी बताए जा रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया है। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के महापुर दलित टोला की है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के तिलहट्टा निवासी कालीचरण और सराय ओपी थाना क्षेत्र के महापुर निवासी धर्मेंद्र डोम के रूप में हुई। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिपलाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रुपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रुपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म। क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।